हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष सरकारी नौकरी। जी दोस्तों, लक्ष सरकारी नौकरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विभिन्न सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं, चाहे वो रेनको से हो, बेल्ट्रान से हो, उर्मिला से हो, BPSM के हो, तमाम सारे जितने भी अपडेट बने हुए हैं, आखिर इन दिनों क्या चल रहा है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहें, जुड़े रहें, शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ए लॉट ऑफ क्यूरी किए आप सभी, कमेंट किए, कमेंट के माध्यम से अपने क्यूरी को पाए, तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और जो जानना चाहते हैं उन चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि कमेंट ही एक आपसे और हमसे रूबरू होने का एक माध्यम है, जिससे कि हम आपसे रूबरू होते हैं, आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जो ऑथेंटिक हो। इसके साथ ही मन में जो भी भ्रम की स्थितियां हो, वह पैदा ना हो, उनको दूर करने की कोशिश करें, कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। तमाम सारे छात्र छात्राएं, सभी भाइयों बहनों, सभी मित्र, सभी फ्रेंड्स, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी हम अपडेट देते हैं, जो हमें प्राप्त होती हैं, वही दी जाती है। कोई भी रॉन्गली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, सही देने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही आपसे यह गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि किसी भी रिक्वायरमेंट रिजल्ट को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके ऑफिशियल साइट्स विजिट करें, जिसके माध्यम से ही आप सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं ऑथेंटिक। तमाम सारे जो भी चैनल हैं जिसके माध्यम से आपके सल्व होते हैं, लेकिन आप 100% ऑथेंटिक उस चैनल के ऑफिशियल साइट पर जाए, किसी भी, चाहे वह किसी भी रिक्वायरमेंट रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एक लेटर ये देख सकते हैं BPSM के द्वारा पूर्व में निकाली गई, जिसमें यह बातें कही गई हैं पूर्व की 27वीं बैठक की कार्यवाही की ये है, और देख सकते हैं 18/9/2020, मतलब 18 सितंबर 2020 की शासी परिषद की हर समय बैठक होती है, और 27वीं बैठक की कार्यवाही में तो इसमें यह बातें हैं कि निदेशक सभी को आयोजित शासी परिषद की गठ बैठक में देख सकते हैं पूर्व में जो ली गई थी कि कार्रवाई के अनुपालन में स्पष्ट किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत जिलों में कार्यपालक सहायक का पैनल नहीं रहने की उपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दे सकते हैं कि पैनल नहीं रहने की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यहित से संबंधित प्रमंडल के निकटवर्तीय जिले के पैनल से कार्यपालक सहायकों का नियोजन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। मतलब काफ़ी सारे जिले हैं जहां पे पैनल ख़त्म हो चुका है, तो वैसी स्थिति में बहाली तो बंद नहीं होगी, मतलब कार्य तो रुकेंगे नहीं, कार्य चलते रहेंगे, तो उन कार्यों की पूर्ति कैसे होगी आखिर। तो वही कहा है कि संबंधित प्रमंडल के निकटवर्तीय जिले, मतलब जो आसपास के जिले हैं और पैनल हैं, उनसे जो है कार्यपालक सहायकों का नियोजन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन है। तो कुल मिलाकर अच्छी खुशखबरी, जैसे मान के चलिए वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आसपास के ज़िले हैं, तो वेस्ट चंपारण जो कि बेतिया है, पश्चिम चंपारण जिला, यहाँ के पैनल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे पैनल नहीं है। BPSM के पैनल ओवरऑल 500 कैंडिडेट का बनाया गया था,
जिसमें अप्रोक्स सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर ज़रूरत होता है तो अन्य जिलों जैसे ईस्ट चंपारण के जो पैनल हैं उनसे अगर इन जिलों में ज़रूरत पड़ती है तो लिया जा सकता है। यही इनकी बातों का जो है मुख्य जो है सार है। तो अच्छी खुशखबरी है उन सभी के लिए जो BPSM से हैं, काफ़ी सारे जो भी पैनल बने हुए हैं विभिन्न जिलों में। एक तो पैनल की वैल्टी 3 ईयर्स है, देखिए पैनल की वैल्टी 3 ईयर्स है और नई प्रक्रिया के तहत जो बहाली होगी वह पूर्व में ही दिया गया है कि वेल्ट्रान से होगी। जी हाँ दोस्तों, वेल्ट्रान से होगी और अप्रोक्स तब तक होगी, तब तक BPSM की बहाली होगी जब तक वेल्ट्रान की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाती। मतलब सारा कार्य सौंप दिया गया है वेल्ट्रान के ज्वाइनिंग को, लेकिन वेल्ट्रान की जब तक प्रक्रियाएं नहीं होती तब तक ज्वाइनिंग BPSM के थ्रू हो रही हैं, होती रही, अभी भी हो रही हैं। बीच में ये सभी छात्रों के ही द्वारा ये सब संभव हुआ क्योंकि पहले ही लेटर निकाल दिया गया, काफ़ी सारे जिलों का पैनल रद्द कर दिया गया। बक्सर में आपने देखा टाइपिंग नहीं हुआ, रिटेन होकर रद्द कर दिया। गोपालगंज में फॉर्म फिलअप करके, खगड़िया, बहुत सारे जिलों में फॉर्म फिलअप करके सब रद्द कर दिया गया सब कुछ। लेकिन जो पैनल बने हुए थे पूर्व से, काफ़ी उसको जद्दोजहद का एक जंग की तरह सभी छात्र एकजुट होकर अपनी मांगों को जो है आवाज़ उठाएं, जिसके बदौलत एक नई शर्तों के अधीन जो है ज्वाइनिंग की जा रही है। उस शर्तों में ये है कि 3 मंथ के लिए ज्वाइनिंग की जा रही है और आपको 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। वेल्ट्रान के द्वारा वेल्ट्रान आपको परीक्षाएं कंडक्ट कराएगी और उसमें यदि पास होते हैं तो इन फ्यूचर आपका जॉब रहेगा, नहीं तो जॉब समाप्त हो जाएगी। ये नई प्रक्रिया के तहत अभी तक बहाली हो रही है और आगे भी अभी होती रहेगी। इसके साथ ही जो बहालियां हो चुकी है 31 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित है कि एग्ज़ाम ले देना है और उसमें जो पास है उनको ओवरऑल रखा जाएगा और नहीं तो बात समाप्त की जाएगी, ऐसी बातें हैं। लेकिन आपको बता दें, इधर कोरोना COVID-19 वैश्विक महामारी ने 31 मई 2021 तक जो है एक सभी को 31 मई 2021 तक जो है एक्सटेंड किया गया है कोरोना को लेकर, तो जितने भी कर पलक सहायक हैं। तो अच्छी खुशखबरी है, ये तो सारी जो बातें रहीं करपलक साहब की, वह BPSM की जो बातें हैं वह है। अब विभिन्न जिलों में जो ज्वाइनिंग है सभी छात्र मांग कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, चाहे वह अपने डिस्ट्रिक्ट के DM से, BPSM से, CM से, सभी, तो उसका जो है काफ़ी जगह जिलों में लाभ मिला और ज्वाइनिंग हो रही है उन प्रक्रियाओं के तहत। फिर भी कुछ जिलों में पूर्व में भी एक लेटर निकाला गया कि यहाँ पे वेल्ट्रान के ही द्वारा ज्वाइनिंग होगी, अब रोक लगाई जाती है, लेकिन हो रही है। ये जो भी है सरकार की अपनी यथास्थिति है। अब बात करें वेल्ट्रान की, जी हाँ दोस्तों, वेल्ट्रान के जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं, डिले होने का एकमात्र कारण KYC है। एक तो कोरोना COVID-19 वैश्विक महामारी ने डिले किया और दूसरी तरफ KYC आज भी जो है पूर्व में 30 सितंबर तक दिया गया है, फिर से डिले बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया 5 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। मैंने एक्सटेंड किया गया और उसमें यह बातें की जा रही है कि KYC जिन छात्रों का अभी तक नहीं हुआ है या काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे वो कास्ट नेम मिसमैच या डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, मैनी मोर्स कैटेगरी, तो उनको सुधार कर फिर से अपलोड करने की रिक्वेस्ट की जा रही है वेल्ट्रान के द्वारा और मैसेज आ रहे हैं। जिन छात्रों का कोई भी मतलब मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब एरर का, तो समझिए आपका
कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जिन छात्रों का आ रहा है वह छात्र अपने जो हेल्पलाइन नंबर है उससे पूछ के और उन प्रक्रियाओं को फिर अपनाएं, और जहाँ पे एडिटिंग है जो तो उसको आप अपडेट कर लें, उसको नए सुधार करा के। अब जिनका हो गया है KYC और कोई मैसेज नहीं है मतलब इरक का, तो उन लोगों को जो पासवर्ड यूजर आईडी दी गई है तो साफ बताया गया हेल्पलाइन नंबर तमाम सारे छात्रों के द्वारा अवगत प्राप्त सूचना के अनुसार कि आपको जो है लॉगिन आईडी नहीं करना है जब तक कि इन्फॉर्म नहीं किया जाए या जो भी है। तो जो भी है सारी आप हेल्पलाइन, हम एक बार नहीं हज़ार बार कहते हैं कि आप हेल्पलाइन पर कंप्लेंट जो भी है जानना चाहते हैं हेल्पलाइन से पूछें, ऑफिशियल साइट पर विजिट करें। बेल्टान के आपके ऑफिशियल साइट को हमने बताया ही है एक बार नहीं, आप सब कोई जानते होंगे, BSEDC बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन। तो ऑफिशियल साइट को ही विजिट करें, वहीं वेटर है। और इसमें भी शासी परिषद की जो बैठक है इसमें देख सकते हैं, इसमें भी ये सब बातें कही हैं कि बेल्टान की सूचीकरण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और कई जिलों से बिहार प्रशासनिक सुधार के आधार पर तैयार किए गए कार्यपालक सहायकों का पैनल समाप्त हो गया है अथवा पैनल की वैधता समाप्त हो गई है। इस कारण कतिपय जिलों में कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री के पद पर नियोजन हेतु पंचायती राज विभाग का कार्य होने का उल्लेख है। तो यही सारी बातें हैं जिसमें यह कहा गया है कि वेल्ट्रान से डाटा एंट्री ऑपरेटर के सूचीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने की सूचना होने पर जो है अंतरिक्त कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे ही अगर वेल्ट्रान की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी इधर, तो जो BPSM है उनकी प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाएगी। ये बातें है, सूचीकरण की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी, यही सारी बातें हैं। तो जल्द ही बेल्टान की भी ज्वाइनिंग हो गई, जैसे ही KYC की इन प्रक्रियाओं को हो जाता है तो बेल्टान कैंडिडेट और जो पास आउट हैं, आपको बता दें 7311 कैंडिडेट जो पास आउट हैं ये अपने सभी ज़िलों में अप्रोक्स 38 ज़िलों में अधियाचना कर रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में DM के पास। तो देखिए एक अधियाचना से क्या होता है, जैसा कि वेल्ट्रान का रूल एंड रेगुलेशन है पहले ही बताया गया है कि जिस भी ज़िलों में जो भी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी डाटा ऑपरेटर की, वह डिस्ट्रिक्ट के DM जिले के DM अपने अंदर जितने भी रिक्त सीटें हैं उनको बेल्ट्रान से अधियाचना करेंगे और बेल्ट्रान उन सीटों को जो उसके पास पैनल है उनसे ज्वाइनिंग करेगी। तो अच्छे है कि सभी कर रहे हैं अध्याचना, इससे क्या होगा ज्वाइनिंग में तेज़ी आएगी, क्योंकि जब रिक्तियां सामने आएगी तो रिक्तियों को बेल्ट्रान के पास जाएगा, हर ज़िले के DM अध्याचना वहाँ भेज देंगे, बेल्ट्रान को प्रेषित कर देंगे और बेल्ट्रान जो ज़िले के पैनल बने हुए हैं हर ज़िले बाई ज़िले जो उसका एक क्रम है, सीक्वेंस है, रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको बेल्ट्रान की ज्वाइनिंग न कि हायरिंग मार्क्स या कुछ से नहीं, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर का जो एक सीक्वेंस है, क्रम है, उसी सीक्वेंस पर वो अपनी ज्वाइनिंग करेगा। आपको 5 ज़िलों की प्रायोरिटी दी गई थी प्राथमिकता ज्वाइनिंग को लेकर, तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अगर वहाँ पे वैकेंट सीटें हैं मतलब तो वहाँ पे दे दी जाएगी, उसके बाद नहीं है तो सेकंड पर, तो सेकंड भी अगर ज़िला फुल है तो थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह 5 प्रायोरिटी दी गई और उस प्रायोरिटी के साथ आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये भी सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं और जो है जल्द ही होगी। इसके साथ ही आप अवगत कराएं उन सभी छात्रों को जो कि अब भी वंचित हैं KYC से, तो आप अवगत कराएं उन सभी छात्रों को कि उनकी KYC हो और आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया कि विधानसभा से इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपने देखा इधर 5 अक्टूबर जो 30 सितंबर को आ गया नोटिफिकेशन, विधानसभा भी सारी प्रक्रिया चल रही है, तो 5 अक्टूबर तो
सही बात है, प्रक्रियाओं में अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उनमें भी ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ये तो आपको बेल्ट्रान से हो गया, VPSM से, और क्या सूचनाएँ बन रही हैं, चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लेटर नंबर, और 1 सितंबर 2020 को देख सकते हैं, टू द मेंबर सेक्रेटरी कम सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ईस्ट चंपारण, मतलब बेतिया में, जो बेतिया ने ईस्ट चंपारण, मतलब ये ईस्ट चंपारण मोतिहारी हुआ जो कि पूर्वी चंपारण, और इसमें ये भेजा गया है कि विभिन्न सारे जो है देख सकते हैं, एक लेटर इशू हुआ है जिसमें कहा गया है कि डियर सर, रिफरेंस टू द सब्जेक्ट, वी आर प्लीज इन्फॉर्म यू दैट उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैज़ इशू द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट, मतलब उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने जो है एक लेटर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट, ज्वाइन एस डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेरियस लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ईस्ट चंपारण में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो ज्वाइनिंग हुई है, सिलेक्ट किए गए हैं विभिन्न सारे लोकेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर आर ऑलरेडी स्टार्टेड ज्वाइनिंग एट द इन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो शुरुआत कर चुके हैं अपने पोस्टिंग के लिए, तो फाइंड क्लोज द सिलेक्टेड डाटा एंट्री ऑपरेटर विथ देयर नेम, नेम के साथ, मोबाइल और पोस्टिंग लोकेशन के साथ, काइंड इंफॉर्मेशन जो भी है, हेल्थ सेंटर इंचार्ज ज्वाइनिंग दिया सेंटर पर उनको ज्वाइनिंग दिलाया जाए, वही सारी बातें हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट का हुआ है, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ईस्ट चंपारण लिस्ट ऑफ रोस्टर वाइज एंड पोस्टिंग, देख सकते हैं कुमारी श्वेता, मोबाइल नंबर, जेंडर कैटेगरी, देख सकते हैं पिपरा चकिया में हुआ है, इसी तरह मोतिहारी, बंजरिया, सदर ब्लॉक बंजरिया, PHC जितने भी हैं, PHC और APHC वहाँ पे इन सभी ऑपरेटर को ज्वाइनिंग हुई है काफ़ी सारे। तो एक बार फिर से लख सरकारी नौकरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई लक्ष्य सरकारी नौकरी की तरफ से, और जिस उद्देश्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है उन कार्यों को आप अच्छे से करें और लोक हित समाज हित में एक अच्छा मुकाम आप भी लोगों के प्रति करें जिस उद्देश्य से आपको। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का हुआ है, सभी छात्र को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई, देख सकते हैं 60 अभी तक ओवरऑल, तो सभी विभिन्न सारे जो लोकेशन है वहाँ दिया गया है कि PSC में कहाँ किया है, रामगढ़वा, बंजरिया, बनकटवा, सगौली, केसरिया, पताही, मधुबन, तो बहुत सारे। तो ये तो आपको बेल्ट्रान से खुशी है सभी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए तो हो रही है, देख सकते हैं 100 काफ़ी सारे स्टूडेंट का है, और ये लास्ट पेज है 109 जो है ज्वाइनिंग हुई है, 109 उर्मिला के द्वारा स्टेट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति में के विभिन्न लोकेशन में जो विभिन्न PHC हैं वहाँ पे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई, लक्ष्य सरकारी नौकरी अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है, और देख सकते हैं ये उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये के द्वारा हुआ है। आप पूछ रहे थे कि उर्मिला की क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए अगर आपके भी इसमें है तो अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो ये तो उर्मिला से रही बात, अब चलिए देख सकते हैं रेनको की। जी हाँ दोस्तों, रेनको की बहुत सारे स्टूडेंट बात कर रहे थे क्या सूचना है, तो देख सकते हैं डियर कैंडिडेट, सेंटर ऑफ द टाइपिंग एग्जाम फॉर पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर आइकॉन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंट ऑफ राम शरण प्रसाद कोई द्वार है, MS कॉलेज रोड, चंदमारी, मोतिहारी में, जहाँ पे बिहार 11 अक्टूबर को 8:30 बजे रिपोर्टिंग हुआ, और सभी छात्र इसके साथ ही देख सकते हैं प्लीज़ विजिट ऑफिशियल साइट, हम बार बार कहते हैं कि ऑफिशियल साइट को विजिट करें, जैसा कि 10 से 13 के बीच विभिन्न जिलों के जैसे सीहोर और ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण की टाइपिंग के लिए निकाला गया था, और विभिन्न सारे स्टूडेंट का सभी मैसेज आ रहा है, टाइपिंग हो रहा है, तो आप
अपना चेक करते रहें। अगर आप इनको कैंडिडेट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, आपका सभी ओवरऑल एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, रिटेन के और टाइपिंग चल रही है, तो आपके भी जिन जिलों में हैं मैसेज आ सकता है और ज्वाइनिंग इस तरह आपकी टाइपिंग हो सकती है, नॉट फॉर ज्वाइनिंग। तो आप टाइपिंग का प्रिपरेशन करें, आप मैसेज को चेक करते रहें, ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। तो ये अब चलिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, जी हाँ दोस्तों, ये सेम उसी तरह है उर्मिला के द्वारा वाला जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का देख सकते हैं, इसमें ये लेटेस्ट है 9 अक्टूबर 2020। इसमें कहा गया है कि जो पूर्व में अप्लाई किया गया था, देख सकते हैं कुछ केस हो गया था, और इसमें यह बातें कही जा रही हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति और संबंध कार्यालय संस्थानों में किसी भी स्रोत से पूर्व में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर जिन्हें उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना के वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, मतलब जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है पीएससी में, वहीं सारे ऑपरेटर जो कि पूर्व में कार्यरत हैं और उन्होंने अभी तक अगर नहीं किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पर, जो कि uistech.in है। तो मतलब प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी, प्राथमिकता कि जो पूर्व से कार्यरत हैं वहीं, तभी तो इनकी जो देख सकते हैं प्रायोरिटी किस लिए दी जा रही है, इनकी जो हाई कोर्ट से कुछ केस अगर किए थे, देख सकते हैं ओरल ऑर्डर, मौखिक ऑर्डर एक निकला है, और इसमें कुछ वहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट लग रहा है किए हैं, 25 देख सकते हैं 25/9/2020, और इसमें उनको ये लग रहा है कि जीत हुई है, तो उसी में ये निकाला गया है उसी क्रम में कि जितने भी कार्यरत पूर्व में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं स्वास्थ्य समिति में, उस पीएससी में पूर्व से, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर दे उर्मिला के इंटरनेशनल ऑफिशियल साइट पे, ऑफिस उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पे, और उनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है। आपने देखा मोतिहारी में 109 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, तो इसी तरह ओवरऑल जितने भी ज़िले हैं 38 समझ सकते हैं, और इसमें कुछ नए कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी, कुछ पुराने प्रायोरिटी जहां कम पड़ेगा तो नए कैंडिडेट। तो आप भी अपना चेक करते रहें, जो भी मैसेज है ऑफिशियल साइट को भी करते रहें, अपने मोबाइल मेल मैसेज को चेक करते रहें, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दी, चाहे वो वेल्ट्रांस से रिलेटेड हो, रेनको से हो, उर्मिला से हो, बीपीएसएम से हो, ओवरऑल काफ़ी सारे आपके क्वेरी को सॉल्व किया और काफ़ी सारे अपडेट दी, नई अपडेट। देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं संतोष सर स्वागत करता हूं लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमारी कोशिश रहती है बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट अच्छा से अच्छा देने की कोशिश की जाए, जो भी ऑथेंटिक है वही सूचनाएं देने की कोशिश की जाए, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके साथ ही आप कमेंट करते हैं, मन में जो है स्थिति यथास्थिति कमेंट करना चाहिए, इससे क्या होता है उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, अगर कोई कमियां रह गई उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। मन में जो स्थिति है या जिस क्षेत्र से आप जानना चाहते हैं उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रकट करना चाहिए। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी छात्र छात्राएं का तहे दिल से स्वागत है। इसके साथ ही देश दुनिया शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। रिक्वायरमेंट से, रिजल्ट से, स्टडी मटेरियल पाने के लिए बने रहें, जुड़े रहें। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी निश्चित होगी। कब होगी? जब आप उसके प्रति लगातार दिन रात लगे रहेंगे, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपकी वीकनेस पॉइंट चल रही है, जिन वजह से आप छट रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश के कभी नैया पार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, तो आप हारे नहीं, तमाम सारे मौके हैं, तमाम सारे
जो है मिशन है, तमाम सारे लक्ष्य जरूरी नहीं, जरूरी नहीं किसी भी क्षेत्र में सफल हूँ, लेकिन अगर सफल है तो सफल है। उम्र नहीं गुजरी है, उम्र नहीं गुजरी है, जब से जागो तभी सवेरा, जब से जागो तभी सवेरा। यदि डोनाल्ड ट्रंप 70 की उम्र और 60 की उम्र में स्टार्टिंग करते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। मेरा कहने का मतलब एक ही है, मिशन कि आप जब से जागे तभी, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उम्र मायने नहीं रखता। आप करें दिन रात प्रक्रिया, करें उन चीज़ों को पाने की कोशिश, करें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, 100% आप उस चीज़ में सफल होंगे जिसको आप पाना चाहते हैं। तो यही सारी अपडेट थी बेल्ट्रान से, रेनको से, BPSM से, उर्मिला से, और कोई भी कमेंट के माध्यम से जो जानना चाहते हैं ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसके साथ ही 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप उस रिक्वायरमेंट रिजल्ट के ऑफिशियल साइट को विजिट करें। किसी भी आप रिक्वायरमेंट रिजल्ट को आप जानना चाहते हैं तो मेरी यही सलाह राय है, किसी भी चैनल्स को न देख के आप उस रिक्वायरमेंट रिजल्ट के ऑफिशियल साइट को विजिट करें। 100% ऑथेंटिक आपको न्यूज प्राप्त होगी उसके ऑफिशियल साइट से। तो यही हमारी आपको राय है कि ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें, नहीं तो आप यत तत भटकते रह जाएंगे और सूचनाएँ आपको सही प्राप्त नहीं होगी। तो आप सूचनाओं को सही प्राप्त करने के लिए ऑथेंटिक ऑफिशियल साइट को विजिट करें, और तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफिशियल साइट के हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूबर तमाम सारे हैं, संपर्क कीजिए कमेंट के माध्यम से, है उनके हेल्पलाइन नंबर से, उनके मेल मैसेज किसी के द्वारा, निश्चित ही आपकी हर उस समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन लक्ष्य सरकारी नौकरी पाई संतोष के द्वारा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू ऑलवेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।